हरियाणा के झज्जर में एक शख्स लोगों को सांप का खेल दिखाते दिखाते उसे चबा गया। सांप की गर्दन को अपने दांतों से चबाने के बाद उस व्यक्ति की हालत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल झज्जर के रायपुर गांव में एक प्रवासी मजदूर लोगों को सांप के साथ करतब दिखा रहा था। उसी दौरान वो अपने दांतों से सांप की गर्दन को चबा गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालत खराब होने के बाद आनंद फानंद में लोगों ने उसे झज्जर के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। सांप को चबाने वाले शख्स का नाम राजू बताया जा रहा है और वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला था। 45 वर्षीय राजू कुछ दिनों पहले ही अपने साथियों के साथ हरियाणा मजदूरी करने पहुंचा था। गांव वालों के मुताबिक राजू पास की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और निर्माण स्थल से ही करीब 6 फीट लंबा कोबरा पकड़कर लाया था। राजू के हाथ में सांप को देख उसके साथी घबरा गए, लेकिन वो उसे हाथों में देख और पकड़कर खेलता रहा और कहने लगा कि उसे सांपों से डर नहीं लगता। वो सांप के साथ खेलता रहा और उसके बाकी साथी वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान सांप ने उसके हाथ पर दस लिया, जिसके बाद राजू ने कहा कि उसे कुछ